नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मसूरी के बारे में, जो कि उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन है। मसूरी कैसे जा सकते हैं, वहां पर कहां पर होटल रखना चाहिए, मसूरी में क्या क्या है घूमने के लिए, और ये सब घूमने के लिए कितने दिन वहां पर रुकना चाहिए, और वहां की एक डे वाइज आइटनरी कैसे बना सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मसूरी कैसे पहुंचा जाए। मसूरी जो है वो उत्तराखंड के कैपिटल देहरादून से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप कहीं से भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको आना होगा देहरादून। देहरादून में एयरपोर्ट भी है, तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हो, या फिर आप ट्रेन, बस या प्राइवेट व्हीकल से देहरादून पहुंच सकते हो। अब देहरादून से मसूरी जाने के लिए हर आधे घंटे में बस मिल जाएगी। ये सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक चलती है, और इसकी टिकट 80 या 100 रुपए होती है। ये 1.5 घंटे में देहरादून से मसूरी पहुंचा देती है। देहरादून से मसूरी जाने के लिए जहाँ से बस मिलती है वो बस स्टैंड अलग है, तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आप वही बस स्टैंड पर पहुंचे जहाँ से मसूरी के लिए बस मिलती है। दूसरा, आप प्राइवेट बस या टैक्सी से भी जा सकते हो। टैक्सी में देहरादून से मसूरी का 1500 से 2000 रुपए लगता है। एक और ऑप्शन भी है, वो है आप देहरादून से ही बाइक रेंट पर ले लीजिए और खुद ही ड्राइव करके मसूरी जा सकते हो। फिर आप वही बाइक से मसूरी में भी घूम सकते हो। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली से मसूरी की डायरेक्ट बस भी मिल जाती है। मसूरी में टूरिस्ट जहाँ पर रहते हैं वो है मॉल रोड। मॉल रोड लाइब्रेरी चौक से लेकर पिक्चर पैलेस तक का 2 किलोमीटर का रोड है। आप यहाँ पर कहीं पे भी होटल बुक कर सकते हो। यहाँ पर होटल 1000 से लेकर 10000 रुपए पर नाइट के रेट में मिल जाएंगे। आप चाहे तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, या फिर सीधा वहीं पे जाके बुक कर सकते हो। वहां पे जाके बुक करने में फायदा ये रहेगा कि आप रूम देख सकते हो, रूम में से कैसा व्यू मिल रहा है वो देख सकते हो, और वहां पे कुछ बार्गेनिंग भी कर सकते हो। तो हो सकता है कि ऑनलाइन से भी कम रेट में मिल जाए। मॉल रोड पे होटल बुक करते टाइम ये खास ध्यान रखिए कि मॉल रोड पे कॉमर्शियल व्हीकल अलाउड नहीं है। यदि आपने बाइक या स्कूटी रेंट पे लिए तो वो भी वहां पर अलाउड नहीं है। तो इसको आपको बाहर पार्क करके ही फिर अंदर चल के जाना होगा। मॉल रोड पे पेडल रिक्शा मिल जाएगी तो उसमें आप जा सकते हो, या तो फिर पिक्चर पैलेस या लाइब्रेरी चौक के आसपास होटल बुक कर लीजिए। वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कॉमर्शियल व्हीकल ले जाने के लिए, और वहां से मॉल रोड भी नजदीक है तो वहां पे चल के भी जा सकते हो। या फिर आप यहाँ से थोड़े दूर कहीं पे बुक करना चाहते हो तो लाल टिब्बा के आसपास बहुत ही अच्छे होटल मिल जाते हैं, और वहां से मसूरी का व्यू भी बहुत अच्छा आता है। मसूरी में घूमने के लिए लोकल टूर के पैकेज मिल जाते हैं। ये यहाँ पे आप सारे पैकेज और उसके रेट देख सकते हो। ये पिक्चर पैलेस के पास में ही है। या तो फिर आप प्राइवेट टैक्सी करा के भी कहीं पे घूम सकते हो, या फिर अगर आप खुद से ही घूमना चाहते हो तो फिर बाइक या स्कूटी रेंट पर लेके भी घूम सकते हो। ये पर डे के 500 से 700 रुपए के रेट में मिलता है। अब मैं आपको मसूरी में घूमने के लिए डे वाइज आइटनरी कैसे बना सकते हैं और वहां पे क्या क्या प्लेसेस है घूमने के लिए, उन सब के बारे में बताऊंगा। डे वन को शुरू करते हैं मसूरी के सबसे फेमस प्लेस केम्प्टी फॉल्स से। केम्प्टी फॉल मसूरी के लाइब्रेरी चौक से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जाते टाइम रास्ते में भी बहुत ही अच्छे पहाड़ों का नजारा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप 30 से 40 मिनट में पहुंच सकते हो। वहां पर अगर आप स्कूटी से गए हो तो पार्किंग का 30 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। केम्प्टी फॉल यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ है। वहां पे जाने के लिए या तो आप सीढ़ियों से जा सकते हो, या फिर रोपवे से भी जा सकते हो। रोपवे में नीचे जाके वापस ऊपर आने का टिकट 150 रुपए लगता है। नीचे केम्प्टी फॉल में आप नहा भी सकते हो, पर यहाँ पर बहुत ही ठंडा पानी आता है। अप्रैल में भी बर्फ जैसा चिल्ड पानी आता है। वॉटरफॉल के आसपास एक पूल भी बनाया गया है जिसमें आप स्विमिंग भी कर सकते हो। वॉटरफॉल के आसपास बहुत सारी शॉप्स भी है जहां से आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम रेंट पर मिल जाएंगे। यहीं से आपको लॉकर रूम, चेंजिंग रूम, टॉवेल जैसी फैसिलिटी भी रेंट पर मिल जाएगी। केम्प्टी फॉल के पास रास्ते में बहुत सारी शॉप्स भी है जहां से आप शॉपिंग कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर खाने पीने के लिए भी बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है। यहां पे नजदीक में एक तालाब भी है जहां पे आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हो।
केम्प्टी फॉल से वापस आते समय रास्ते में ही संतुरा देवी का मंदिर आता है। ये केम्प्टी फॉल से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। संतुरा देवी के मंदिर तक जाने के लिए 800 मीटर जितना आपको ऊपर तक चल के जाना होगा। संतराम नाम के महात्मा की 50 साल की तपस्या से प्रसन्न होकर अम्बा माता ने उनको दर्शन दिए थे। इसी संतराम के ऊपर से यहाँ पर संतुरा देवी का मंदिर बना हुआ है। संतुरा देवी का मंदिर तो अच्छा है ही, पर यहाँ से आसपास का नजारा भी बहुत ही अच्छा दिखेगा, तो यहाँ पर जरूर जाइए। संतुरा देवी के बाद आप नेक्स्ट दलाई हिल्स देखने को जा सकते हो, जो कि हैप्पी वैली में है और ये संतुरा देवी मंदिर से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक तिब्बतियन टेम्पल है और बहुत सारे बुद्धिस्ट प्रेयर के फ्लैग्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी और बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति भी है। यहीं से आपको हिमालयन रेंज के कुछ पहाड़ भी देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं कंपनी गार्डन, जो कि दलाई हिल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है और इसकी एंट्री टिकट है 25 रुपये पर पर्सन। यहाँ पर आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलरफुल फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी है, एक आर्टिफिशियल लेक भी बना है जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हो। साथ में यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज और गेम्स भी है। बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ है और यहाँ पर एक खाने पीने के लिए फूड कोर्ट भी है। कंपनी गार्डन से इवनिंग में आप वापस आ जाइए लाइब्रेरी चौक, जो कि है सिर्फ 3 किलोमीटर। लाइब्रेरी चौक में भी एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है जहाँ से बहुत ही अच्छे फोटोज और वीडियोज आते हैं। यहाँ पर एक गांधी जी का स्टेच्यू भी है और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी है शॉपिंग के लिए और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी है। इसके बाद फिर आप इवनिंग में या नाइट में मॉल रोड पर चलकर घूम सकते हो, वहां पर भी आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। डे टू को आप धनोल्टी के लिए जा सकते हो। धनोल्टी एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि मसूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मसूरी से धनोल्टी 1 से 1.5 घंटे में पहुंच सकते है। धनोल्टी जाने का रास्ता भी पहाड़ों से होकर ही जाता है, तो यहाँ पे रास्ते में भी बहुत ही अच्छे व्यूज देखने को मिलेंगे। अगर आप खुद से ड्राइव करते जा रहे हो तो रास्ते में बहुत सारी जगह ऐसी आएगी जहाँ पे आपको रुक के फोटो और वीडियो लेने का मन हो जाएगा। पिक्चर पैलेस स्टैंड से धनोल्टी के लिए बस या टैक्सी भी मिल जाती है। धनोल्टी में आप चाहे तो नाइट स्टे भी कर सकते हो, उसके लिए वहां पे बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, या फिर आप शाम को वापस भी आ जाइए, 1 से 1.5 घंटे में वापस आ सकते हो। धनोल्टी का एनवायरनमेंट मसूरी से अच्छा होता है क्योंकि धनोल्टी में क्राउड कम होता है तो पॉल्यूशन भी कम होता है। धनोल्टी में मसूरी के कंपैरिजन में विंटर में स्नोफॉल भी ज्यादा होता है, तो अगर आप विंटर में मसूरी गए और आपको स्नोफॉल नहीं देखने को मिला है तो हो सकता है कि आपको धनोल्टी में स्नोफॉल देखने को मिल जाए। धनोल्टी में सबसे पहले इको पार्क जाइए। यहाँ की एंट्री फी 50 रुपीज पर पर्सन है। इको पार्क फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ तो है ही, इसमें आपको अलग अलग टाइप के बर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से पहाड़ों का व्यू भी बहुत ही अच्छा दिखता है और कभी कभी हिमालय भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज भी होती है जैसे कि जीप लाइन, बर्मा ब्रिज, ये सब भी आप कर सकते हो, पर इसका आपको अलग से पे करना होगा। बाकी यहाँ पर 500 मीटर का वॉकिंग ट्रैक भी है, बच्चों के लिए झूले भी है, तो फैमिली के साथ यहाँ पर आओगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इको पार्क के बाहर भी छोटे छोटे फूड स्टॉल्स है जहाँ पे मैगी, मोमोज, चाय, कॉफ़ी, इस तरह का खाने पीने के लिए मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आप जा सकते हो सुरकुंडा देवी के मंदिर, जो कि इको पार्क से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता द्वारा किए गए यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तो भगवान शिव उनका शरीर कैलाश ले जा रहे थे, तब माता सती का सिर यहाँ पर गिर गया था, इसीलिए इस जगह को सुरकुंडा देवी के नाम से जाना जाता है। सुरकुंडा देवी के मंदिर जाने के लिए आपको थोड़ा ऊपर चढ़ के जाना होगा। अभी यहाँ पे रोप वे का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पे मंदिर तो बहुत अच्छा है ही, पर यहीं से आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और साथ में देहरादून और मसूरी के भी पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। धनोल्टी में और कुछ नहीं है देखने के लिए। स्पेसिफिकली आप यहाँ का एनवायरनमेंट का मजा लेने के लिए आ सकते हो। मसूरी से धनोल्टी के रास्ते में बहुत सारे एडवेंचर पार्क भी आते हैं,
जहाँ पे आप स्काई वॉक, स्काई साइकिलिंग, जिप लाइन, स्विंग ब्रिज, डबल रोप ब्रिज, कोर्ड बाइक, वॉल क्लाइंबिंग, इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हो। वहाँ पे कुछ कॉटेज भी होते हैं जहाँ पे आप चाहे तो नाइट स्टे भी कर सकते हो। तनोल्डी से शाम को अगर आप जल्दी आ जाते हो तो लाल टिब्बा जा सकते हो, जो कि मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। लाल टिब्बा में व्यू पॉइंट पे जाने के लिए आपको एक काफे से जाना पड़ेगा, जिसकी एंट्री फी है ₹50 पर पर्सन। पर अगर आप काफे से कुछ ऑर्डर करते हो तो आपको कोई एंट्री फी नहीं देनी है। वैसे काफे में जो मिलता है वो भी थोड़ा बहुत तो महंगा होता है। यहाँ पे एक बाइनोक्यूलर भी है जिससे आप हिमालय देख सकते हो। बाकी शाम को यहाँ पे सनसेट का भी बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। डे 3 को सबसे पहले गन हिल पॉइंट पर जाइए। ये मॉल रोड पर ही है, तो अगर आपका होटल मॉल रोड पर है तो आप यहाँ पर चल के भी जा सकते हो। गन हिल पॉइंट पर ऊपर जाने के लिए आपको थोड़ा चढ़ना होगा। अगर आप चढ़ना नहीं चाहते हो तो यहाँ पे रोपवे भी है। रोपवे में ₹75 पर पर्सन का टिकट लगता है। यहाँ पे ऊपर से भी आपको बहुत ही अच्छा व्यू देखने को तो मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ शॉप्स भी है शॉपिंग करने के लिए, खाने पीने के लिए भी कुछ छोटे फूड स्टोर मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप कुछ गेम खेलना चाहते हो, जैसे कि आर्चरी है, गन राइफल शूटिंग है और रिंग टॉस, इस तरह की गेम्स भी यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद फिर मसूरी लेक जाइए, जो कि पिक्चर पैलेस से 7 किलोमीटर दूर है। मसूरी लेक एक आर्टिफिशियली बनाया गया बहुत ही सुंदर लेक है। मसूरी लेक की एंट्री फी ₹15 पर पर्सन है। यहाँ पे बोटिंग भी होता है जिसका चार्ज है ₹30 पर पर्सन। यहाँ पे जोर्बिंग बॉल भी है जो कि ₹100 में पड़ता है। या फिर अगर आप जिप लाइन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर है, जिसका चार्ज है ₹350। बाकी यहाँ पे कुछ शॉप्स भी है शॉपिंग के लिए, कुछ गेम खेलना चाहते हैं तो वो भी है, एक हॉन्टेड हाउस भी है, तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज भी आप कर सकते हो यहाँ पे। अब नेक्स्ट आप जाइए भट्टा फॉल, जो कि मसूरी लेक से सिर्फ 4.5 किलोमीटर दूर है। अगर आप केम्प्टी फॉल गए हो तो ये भट्टा फॉल आपको छोटा लगेगा, पर केम्प्टी फॉल ज्यादा क्राउडेड होता है, जबकि यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं, तो आप आराम से नहा सकते हो। यहाँ पे छोटा सा तालाब भी है जिसमें आप स्विमिंग भी कर सकते हो। तो अगर फैमिली के साथ गए हो तो ये आपके लिए बेस्ट जगह है। भट्टा फॉल जाने के लिए रोपवे भी है, जिसकी टिकट है ₹150 पर पर्सन। आप यहाँ तक अपने व्हीकल से भी लास्ट तक जा सकते हो, उसमें कुछ ज्यादा चलना भी नहीं पड़ता है। भट्टा फॉल में एंट्री के लिए टिकट है ₹50 पर पर्सन, पर अगर आप रोपवे में गए हो तो आपको एंट्री के लिए कोई टिकट नहीं देनी है। यहाँ पर वॉटरफॉल के अलावा बच्चों के लिए स्लाइड, स्विंग्स और इस तरह के बहुत सारे फन राइड्स भी है, और बड़ों के लिए कुछ एडवेंचरस राइड भी है, जैसे कि रिवर्स बंजी है, जायंट स्विंग है। तो अगर आप फैमिली के साथ आए हो तो यहाँ पर जरूर जाइए। उसके बाद फिर आप जाइए क्लाउड एंड व्यू पॉइंट पे। ये भट्टा फॉल से 20 किलोमीटर दूर है, पर अगर आप भट्टा फॉल नहीं गए हो तो लाइब्रेरी चौक से क्लाउड एंड सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जाने का जो आखिरी का 2 किलोमीटर का रास्ता है वो बहुत ही खराब है, तो यहाँ पे जाने की राइड भी आपकी काफी एडवेंचरस होगी। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, यहाँ पे मॉनसून के सीजन में बहुत ही अच्छे बादलों का नजारा देखने को मिल जाता है। वैसे तो क्लाउड एंड व्यू पॉइंट जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के रिसोर्ट के अंदर है, जिसके अंदर जाने के लिए आपको ₹150 एंट्री फी देनी होगी। पर यहाँ पे बाहर से भी बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिल जाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अंदर जाकर ही देखे। क्लाउड एंड से वापस आते समय रास्ते में ही जॉर्ज एवरेस्ट पीक आता है, जो कि क्लाउड एंड से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट हाउस भी है। जॉर्ज एवरेस्ट पीक तक जाने के लिए आपको 2 किलोमीटर का ट्रेकिंग करके जाना होगा, पर यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ से हिमालय के कुछ पर्वत भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर शाम को आए हो तो यहाँ पे सनसेट का बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप लंबी देयर माइन जा सकते हो, जो कि जॉर्ज एवरेस्ट पीक से 5 किलोमीटर दूर है। वैसे तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, यहाँ पे एक पुराना बिल्डिंग है जिसके अंदर भी कुछ नहीं है, पर इस प्लेस को हॉन्टेड प्लेस माना जाता है और यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी देखी गई है। वैसे सच में ये हॉन्टेड प्लेस है कि नहीं है ये तो कोई नहीं जानता है। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हो तो अपने रिस्क पे जा सकते हो। वैसे यहाँ पर दिन के टाइम में जाना ज्यादा सेफ रहेगा। इसके अलावा मसूरी में घंटाघर है, लैंडोर बाजार है, कैमल बैक रोड है, ये सारी जगह मोर रोड के आसपास ही है, तो ये आप कोई भी दिन अपने टाइम के हिसाब से सेट करके जा सकते हो।
तो ये थी मसूरी की 3 दिन की एक परफेक्ट आइटिनरी, जिसमें आप मसूरी के सारे प्लेसेस कवर कर सकते हो। आप वहां पे कितने दिन रुकने वाले हो उसके हिसाब से आप अपने तरीके से भी एक आइटिनरी सेट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कुछ पॉइंट अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे हर जगह से पहाड़ ही दिखने वाले हैं। मसूरी जाने के लिए कोई स्पेसिफिक सीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर सीजन का एक अलग ही मजा है। जैसे कि गर्मियों में आप ठंडी का मजा लेने के लिए जा सकते हैं, विंटर में आप स्नोफॉल देखने के लिए जा सकते हैं, और मॉनसून में तो यहाँ का एटमॉस्फेयर ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर टूरिस्ट होते ही है। तो ये थी मसूरी टूर के बारे में सारी जानकारी। अगर आप अभी भी कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।